तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी से टीवी उन अभिनेत्रियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि खूबसूरती के मामले में बहुत ही आगे हैं, और वहीं ये सभी काफ़ी ज़्यादा यंग भी लगती हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री असल जिंदगी में माँ बन चुकी हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनके बच्चे भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर एक पर आती हैं शिखा सिंह, जो कि कुमकुम भाग्य सीरियल में आलिया का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हो गई थी, और शिखा हाल में माँ बनी है और इनकी बेटी का नाम अलायना सिंह है। जी हाँ, शिखा अपनी बेटी की तस्वीर हमेशा सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। नंबर दो, माही बीज। जी हाँ, माही बीज की बेटी भी अभी हाल ही में 1 साल की हुई है और इनकी बेटी का नाम तारा है। लेकिन माही ने भले ही अभी एक बेटी को जन्म दिया है, पर ये माँ काफ़ी पहले ही बन गई थी। जी हाँ, दरअसल माही बीज और जय भानुशाली ने अपने सर्वेंट की बेटा और बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, और उस तरह नहीं कि जो कि उनके बच्चे बन जाए, बल्कि इस तरह की उनकी पढ़ाई और आने वाले जितने भी खर्चे होंगे सब यही करेंगे, और इसीलिए वो बच्चे और उनके माता पिता भी जय और माई के घर पर ही रहते हैं, और इस तरह ये दोनों बच्चे इनके बड़े बच्चे और तारा इनकी छोटी बेटी है। नंबर थ्री, दीपिका सिंह। दीपिका सिंह बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट दिखती है, और वहीं इनको टीवी पर हमेशा अलग शोज में काम करते हुए देखा गया है, और वहीं दीपिका दिया और बाती हम के डायरेक्टर से प्यार कर बैठी और शो खत्म होने के बाद उन्हीं के साथ शादी के बंधन में बंध गई, और उसके बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, और अभी इन्हें देख कर नहीं लगता है कि एक बच्चे की माँ है, क्योंकि इन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद काफ़ी मेहनत की और अपने आप को पहले की तरह फिट और स्मार्ट बना ली है। नंबर चार, परिधि शर्मा। जी हाँ, परिधि शर्मा जो कि जोधा अकबर में जोधा किरदार निभाकर टीवी पर छा गई थी, और अभी हाल ही में इनको पटियाला वेब सीरियल में देखा गया था, और वहीं उस शो में एक बच्ची की माँ बनी थी परिधि, तो वहीं ये असल जिंदगी में भी माँ बन चुकी है एक बेटे की, और इनकी शादी हो गई है तो हर कोई जानता था, पर एक बच्ची की माँ बन चुकी है कोई नहीं जानता था, और वहीं ये टीवी पर बहुत ही कम काम करती हैं। नंबर पाँच, सौम्या सेठ। 90 सीरियल से सभी के दिलों में जगह बनाने वाली सौम्या काफ़ी सीरियलों में नज़र आई थी, लेकिन उन्होंने शादी करने के बाद अचानक टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया, और वहीं सौम्या ने शादी के 1 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया, और ये भी नहीं लगते कि एक बच्चे की माँ है। तो अब हमने आप सभी को इस वीडियो में टीवी के कुछ मशहूर अभिनेत्रियों के बारे में बताया जो कि असल जिंदगी में माँ बन चुकी हैं, तो इस पर आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।